स्वागत है आप सबका स्कोर आउट मोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आपकी डिमांड थी काफी सारी कि थेरी लेक्चर जितने भी ईटीएम पे सब कंप्लीट करो, तो सारे थेरी लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड उसके साथ साथ अभी आपकी डिमांड जो वो बढ़ गई है कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आओ। तो आज ईटीएम का चैप्टर वाइज फुल सिलेबस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन एग्जाम एमएसबीटी एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस पूरा आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। बट ये पूरा मेड विथ लॉट्स ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। जी हाँ, ये वीडियो बनाने में काफी हार्डवर्क एंड काफी डेडिकेशन लग रहा है, क्योंकि कोई भी एक ही वीडियो में सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है इन दिस वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। आप ठान लो कि एक लाइक आपको जरूर करना है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और साथ साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपके डिमांड पे आपके रिक्वेस्ट पे हम वीडियो लेके आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का भला होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी एकदम दिल से रिक्वेस्ट है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर वन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो वहां से आप वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो देख सकते हैं। एंड साथ साथ में जो ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, वो आई बटन पे भी मैंने लिंक दिए, तो वहां से आप फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस ऑटोमोबाइल इंजन के लिए ईटीएम का थ्योरी प्लस ईटीएम का एमसीक्यू आज हो जाएगा। आईएचपी ये पूरे सारे सब्जेक्ट जो है वो पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सिलेबस हो गए, आपने अभी तक देखा नहीं है तो इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए, और उसके साथ साथ बाकी के सब्जेक्ट भी कवर हो गए। ठीक है, तो आज ईटीएम का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा एंड फिर बाद में हम मैनेजमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो पूरा सिलेबस आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर जो भी मैं इंपॉर्टेंट बीच बीच में बता रहा हूँ आपका मिस हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। ठीक है, चैप्टर टू प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस बॉयलर का टॉपिक पे फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉयलर इज अ डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू द वॉटर। ठीक है, प्रोसेस बॉयलर इज अ टाइप ऑफ बॉयलर विद अ कैपेसिटी ऑफ 3 लाख बर्ड्स पर आवर। डैश इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडिया इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर डिस्टेंस इन इंडस्ट्रीज। आंसर इज स्टीम। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सैचुरेटेड स्टीम हैज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। वॉट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ फीड वॉटर, तो दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। फॉर कैरिंग द हीट एफिशियंटली द स्टीम मस्ट बी सैचुरेटेड। वॉटर ट्यूब बॉयलर आर दोज इन विच वॉटर पास थ्रू द ट्यूब्स एंड फ्लू गैसेज अराउंड इट। यहां पर ध्यान दीजिए क्या पूछा है कि वॉटर ट्यूब बॉयलर है, तो वॉटर ट्यूब बॉयलर किसको बोलते हैं कि जहां पे वॉटर जो है वो ट्यूब में पास होता है और ट्यूब के आजू बाजू में फ्लू गैसेस, इसको ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम, तो दैट इज लोकोमोटिव बॉयलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉटर ट्यूब बॉयलर, तो इसमें से बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर ये वॉटर ट्यूब बॉयलर है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर आर डैश, दैट इज वॉटर ट्यूब बॉयलर। द इकोनोमाइजर इज यूज्ड इन बॉयलर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ठीक है, एंड इकोनोमाइजर इन अ बॉयलर डिक्रीजेस फ्यूल कंजप्शन इन अ कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या होता है, तो गैस से लिक्विड में होता है। ठीक है, व्हेन वेपर इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली द वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, जब वेपर जो है वो कॉम्प्रेस होगा आइसोथर्मली तो वो वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा। व्हेन वेपर इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली द वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट्स एट ड्यू पॉइंट व्हेन गैस चेंजेस टू लिक्विड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। द टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि जब भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है,
When vapor is cooled at constant total system volume, the pressure changes. ठीक है. Which of the following boiler is best suited to meet the fluctuating demand of steam? The answer is locomotive boiler. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि locomotive boiler is best suited to meet the dash demand of the steam. तो आंसर इज फ्लक्चुएटिंग डिमांड. ठीक है. द बॉयलर एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली द केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन स्टीम गोइंग टू द टर्बाइन. वेयर आर स्टीम बॉयलर्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. स्टीम बॉयलर्स इंडस्ट्रीज में कहां पे यूज होते हैं? तो हीटिंग रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटी, यस. स्टीम फॉर बैचिंग, यस. Steam for processing, yes. The answer is all of the above, that is A, B and C. Which of the following is not a part of the boiler? Isme se kaun sa boiler ka part nahi hai? So answer is water reservoir. The heat in the boiler is used for making, answer is steam. How many cooling towers are there near a reactor? To reactor ke wahan pe kitne cooling towers hote hai? To answer is 4. Cooling tower may vary from size of 40 meters to 400 meters. ठीक है. What is the main component in the boiler? तो main component boiler में क्या है? Steam. ठीक है. Which cooling towers use a process similar to one found in small evaporating action? Cooling units. Answer is hyperbolic. ठीक है. What is the reason to serve a cooling tower? वेरी इंपॉर्टेंट. कूलिंग टावर का रीजन क्या क्या है? तो वो क्या करता है? टू एंश्योर प्रॉपर एयर फ्लो, जी हाँ. टू क्लीन द ट्यूब्स, यस. टू इंस्पेक्ट द वॉटर पंप, यस. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अ डैश इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर सिस्टम वेयर वॉटर इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट वाय कंबशन ऑफ द फ्यूल ब्लोन थ्रू अ ट्यूब सबमर्ज इन वॉटर. तो आंसर इज स्टीम बॉयलर. ठीक है. The heat produced in this system is then rejected into the system as steam. ये very important है ये question. दिखने में easy है but easy नहीं है. क्या बोल रहा है? देखो, the heat produced in this system, मतलब heat जो produce होएगा system में और वो जो heat reject होता है तो वो system में as क्या होता है? वापिस वो steam में convert होता है. ठीक है. A dash incorporates a firebox or furnace in order to burn the fuel and dash heat. So, a boiler incorporates a firebox or a furnace in order to burn the fuel and generate heat. ठीक है. तो confusion नहीं होने का. आपको एक छोटा सा example देता हूँ कैसे double वाले question है तो उसको कैसे relate करने का. अगर answer नहीं आता है तो भी unique trick है. देखो क्या लिखा हुआ है कि dash incorporates a firebox or furnace in order to burn the fuel and dash heat. बराबर. तो इसका छोड़ दो, यहां पे क्या लिखा है? एंड डैश हीट. तो बॉयलर हीट तो नहीं होगा, प्रेशर हीट भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा. तो हीट क्या होगा? हीट को हम बना सकते हैं ना, तो जनरेट. तो ऐसे भी आंसर लॉजिक से यूज करो. तो जनरेट मिल गया तो जनरेट राइट है, ऑटोमेटिकली यहां पे बॉयलर आ जाएगा. समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए. आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड रहेगा वही मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन में, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो. अ बॉयलर इज एन एनक्लोज्ड वेसल दैट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर कंबशन एंड ट्रांसफर हीट टू द वॉटर अंटिल इट बिकम्स हॉट वॉटर और स्टीम. स्टीम प्रोड्यूस इन अ बॉयलर कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेस इंक्लूडिंग स्पेस हीटिंग, ड्राइंग एंड स्टेरलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, पावर जनरेशन. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी. ये आप अगर लेक्चर ध्यान से जिन्होंने देखा रहेगा तो तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं और देखो ये क्वेश्चन आया. ठीक है. तो थ्योरी लेक्चर भी आप जरूर देखिए. द कंडेंसेट सिस्टम इंक्लूड्स एनीवेयर दैट द स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड वॉटर. द बैक प्रेशर क्रिएटेड बाय लिफ्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1 PSIg फॉर एवरी 2 feet ऑफ कंडेंसेट लिफ्ट. Condensate is the liquid formed when the steam passes from vapor to the liquid state. So condensation kya hai? Vapor se liquid mein convert hoga. Bas, utna kar lo.
अ डिवाइस नोन एज स्टीम ट्रैप्स इज यूज टू रिलीज कंडेंसेट फ्रॉम द पाइप वर्क प्रिवेंटिंग द स्टीम फ्रॉम एस्केपिंग द सिस्टम. क्लियर. विच ऑफ दिस इज अ फिजाइल फ्यूल दैट इज थोरियम. What kind of energy output is obtained from a steam power plant? That is electricity. Water that is feedback to the boiler by the pump is called condensate. Feedback का मतलब क्या? कि जो use किया हुआ water है और उसमें से जो बच गया तो उसको वापिस use करना, that is known as feedback. ठीक है. Which of these is an output of a furnace? That is flue gases. The product of efficiency and heat transfer to the working fluid is net work done. Rankine cycle efficiency is a good steam power station may be in the range between to 35 se leke 40. The following is a correct order of energy conversion in thermal power plant. So isme se kaun sa order correct hai according to thermal power plant. To exam mein question aise bhi aa sakta hai, thermal power plant ki jagah pe dusra kuch bhi de sakte, to uske hisab se padho. समझ में आया? तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दो. तो क्या है? केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है? सीएमई. ठीक है, सीएमई याद रखो, मतलब पता चल जाएगा थर्मल पावर प्लांट में कैसा एनर्जी कन्वर्जेशन है, तो सीएमई. क्लियर. अब क्या है कि फॉलोइंग इमेज शोज द पार्ट ऑफ, अभी ये जो इमेज है वो किसका पार्ट दिखा रहा है, तो हमको आंसर इज सेपरेटर. क्लियर. Direct relation between temperature and pressure of saturated steam, the amount of energy input to the process easy to control. ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो गया. तो आप ही देखो फर्स्ट पॉइंट पे 44 क्वेश्चन हमने प्रिपेरेशन किया, मतलब कितना हार्डवर्क लग रहा है. ठीक है, पॉइंट नंबर टू, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर. ठीक है, तो क्या है? Which of the following is the simplest method of cooling the condenser water? The answer is spray cooling pond. Open cooling system is also called as once through system. अब यहाँ पे important है, ध्यान दीजिए, exam में question ऐसे भी आ सकता है कि once through system is also called as, the answer is open cooling system. अभी इसको आपको exam में कैसे ध्यान में रखना है कि exam में कैसे click करना है, और या फिर ये जब भी preparation कर रहे तब कैसे click करना है. तो यहां पे ओपन कूलिंग सिस्टम है ना, तो यहां पे सिस्टम आ गया, यहां पे सिस्टम आ गया. अभी इसके अंदर क्या है? ओ फॉर ओपन, ओ फॉर वंस. तो आपको ये याद रखना है, जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना है, ओपन कूलिंग सिस्टम या फिर वंस सिस्टम. तो आपको सीधा दिमाग में आ जाएगा ओपन मतलब वंस. ठीक है, विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज इन लार्ज पावर प्लांट? तो दैट इज कूलिंग टावर्स. Wet cooling towers or open circuit cooling towers operate on the principle of evaporative cooling. अब यहाँ पे question ऐसे भी आ सकते हैं कि water cooling tower is also known as, answer is open circuit cooling tower. या फिर question ऐसे भी आ सकता है, open cooling circuit tower is also known as, answer is wet cooling tower. ठीक है, How does outside air enter into the wet cooling system? So that is louvers. How is water circulated throughout the dry cooling tower system? So that is finned tubes. Clear? Why is exhaust steam coming out of the turbine is admitted to a steam header to decrease the pressure drop? How is air produced in mechanical draft cooling tower? तो प्रोपेलर फैन से. ठीक है, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर जनरली यूज्ड इन अ पावर इंडस्ट्री. डिजाइन ऑफ हाइपरबोलिक कूलिंग टावर स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स. बीम्स ऑफ हाइपरबोलिक कूलिंग टावर आर मेड अप ऑफ एसएस, दैट इज स्टेनलेस स्टील. नेचुरल ड्राफ्ट इन हाइपरबोलिक कूलिंग टावर रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द फैन. क्यों? क्योंकि यहां पे नेचुरल ड्राफ्ट है इसके लिए. तो यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डैश ड्राफ्ट इन हाइपरबोलिक कूलिंग टावर रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ द फैन. तो आंसर इज नेचुरल ड्राफ्ट. क्लियर, तो ऐसे भी पढ़ो, खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो. ठीक है, हाइपरबोलिक डिजाइन अलाउस फॉर यूज ऑफ मिनिमम मटेरियल विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी.
क्लियर। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डैश डिजाइन अलाउस फॉर यूज ऑफ मिनिमम मटेरियल विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, तो आंसर इज हाइपरबोलिक डिजाइन। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि लेक्चर को जरा भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में जो क्वेश्चन बोर्ड ट्विस्ट कर सकता है उसको भी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ हाइपरबोलिक डिजाइन, कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो दैट इज लेस इनिशियल कॉस्ट। क्लियर। फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ हाइपरबोलिक डिजाइन, हाइपरबोलिक डिजाइन का एडवांटेज क्या है, दैट इज लेस नॉइस। हाइपरबोलिक कूलिंग टावर यूज इन, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर कहाँ पे यूज है, तो वो कोल्ड फायर पावर प्लांट में यूज होगा, यस। न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होगा, यस। थर्मल पावर प्लांट में यूज होगा, यस। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। नेचुरल ड्राफ्ट इन हाइपरबोलिक कूलिंग टावर इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डैश ड्राफ्ट इन हाइपरबोलिक कूलिंग टावर इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आंसर इज नेचुरल ड्राफ्ट। ठीक है, व्हेन वेपर इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट टोटल वॉल्यूम सिस्टम द डैश चेंजेस, तो आंसर इज प्रेशर चेंजेस। अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20% ऑफ कूलिंग इन कूलिंग टावर इज थ्रू द सेंसिबल कूलिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20% ऑफ कूलिंग इन कूलिंग टावर इज थ्रू डैश कूलिंग, तो आंसर इज सेंसिबल कूलिंग। कंडेंसेशन स्टार्ट्स एट ड्यू पॉइंट, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम आर नोजल अरेंज्ड ऑन डिफरेंट एलिवेशन, तो कौन सा ऐसा कूलिंग सिस्टम है जहां पे नोजल जो है वो डिफरेंट एलिवेशन के हिसाब से अरेंज है, तो आंसर इज डबल डैक सिस्टम, DDS। ठीक है, द एग्जॉस्ट स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज एडमिटेड टू अ स्टीम हेडर टू इंक्रीज द प्रेशर। वेट कूलिंग टावर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवोपरेटिव कूलिंग। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डैश कूलिंग टावर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवोपरेटिव कूलिंग, तो आंसर इज वेट। ठीक है, द ओपन कूलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस थ्रू सिस्टम। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, और देखो क्वेश्चन आ गया, तो हमको कैसे याद रखना है, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर वंस। ठीक है, ऐसे हमने को याद रखना है, क्योंकि आपका हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। हाउ डज आउटसाइड एयर एंटर्स इन टू द वेट कूलिंग सिस्टम, आंसर इज लोअर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन कूलिंग टावर परफॉर्मेंस, तो वो है फिल मीडिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्प्रे नोजल डज ईच मॉड्यूल ऑन स्प्रे पॉन्ड कूलिंग सिस्टम कंटेन, तो कितना कंटेन करेगा, दैट इज 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कूलिंग द कंडेंसर वॉटर, सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है कंडेंसर वॉटर के लिए, तो वो है स्प्रे कूलिंग पॉन्ड। इन विच टाइप ऑफ कूलिंग पॉन्ड सिस्टम आर नोजल्स अरेंज ऑन सेम एलिवेशन, तो दैट इज सिंगल डैक सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे देखो समझने का क्या है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन सिंगल डैक सिस्टम द कूलिंग पॉन्ड सिस्टम आर नोजल्ड अरेंज ऑन विच एलिवेशन, मतलब डैश एलिवेशन, तो आंसर इज सेम एलिवेशन। क्लियर, वॉट आर यूज इन द डायरेक्ट फ्लो सिस्टम टू ट्रांसफर द पॉन्ड बैच यूनिटिंग एट इनटेक, तो आंसर इज बैफल वॉल्स। व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द लार्ज पावर प्लांट, सो दैट इज कूलिंग टावर्स। हाउ इज वाटर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द ड्राई कूलिंग टावर सिस्टम, दैट इज बाय फिन्ड ट्यूब्स। कूलिंग टावर यूज अ प्रोसेस सिमिलर टू वन फाउंड इन स्मॉल इवोपरेटिंग कूलिंग यूनिट, आंसर इज हाइपरबोलॉइड। अब यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कूलिंग टावर यूज अ प्रोसेस सिमिलर टू वन फाउंड इन स्मॉल डैश कूलिंग यूनिट, सो आंसर इज इवोपरेटिव कूलिंग यूनिट्स। हाइपरबोलॉइड कूलिंग टावर्स हैव बिकम द डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर ऑल नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड मिनिमम यूजेज ऑफ मटेरियल। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं।
अगर ड्राफ्ट पे कुछ भी क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि वो आपको क्वेश्चन आ रहा ही नहीं है और आप वो क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो, तो क्वेश्चन को छोड़ो मत। जहां भी आपको ड्राफ्ट दिखता है तो वहां पे आप नेचुरल को आंसर क्लिक कर दीजिए। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। द हाइपरबोलॉइड शेप ऑल्सो एड्स इन एक्सेलरेटिंग द अपवर्ड कॉन्वेक्टिव एयर फ्लो, इंप्रूविंग कूलिंग एफिशिएंसी। ठीक है, द पोल्यूशंस दैट आर प्रेजेंट डिपेंड ऑन कूलिंग टावर बिल्डिंग मटेरियल्स एज वेल। कूलिंग टावर आर ऑल्सो बिल्ड ऑफ कॉन्क्रीट, वुड, प्लास्टिक और मेटल। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स दैट आर डिफाइंड बाय हाउ वॉटर और एयर पासिस थ्रू देम। ठीक है, अ कूलिंग टावर इज अ स्पेशलाइज हीट एक्सचेंजर इन विच एयर एंड वॉटर आर ब्रॉट इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉटर्स टेम्परेचर। ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ द कूलिंग टावर, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कूलिंग टावर का एफिशियंसी? सेव एनर्जी, यस। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वॉटर बीन कंज्यूम्ड, यस। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड फॉर वॉटर ट्रीटमेंट, आंसर इज येस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी। देर आर टू ह्यूज कूलिंग टावर्स क्लोज टू बिल्डिंग साइट ऑफ रिएक्टर एंड ऑफ द चर्नोबिल पावर प्लांट, द आंसर इज 4 एंड 5। कूलिंग टावर्स वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल रूफ टॉप यूनिट्स टू अ वेरी लार्ज हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी अप टू मीटर्स टॉल एंड मीटर्स इन डायमीटर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दैट कैन बी ओवर 40 मीटर्स टॉल एंड 80 मीटर्स लॉन्ग, द आंसर इज 200 एंड 100। ठीक है, अब सिलेबस का पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, तो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। पल्वराइज कोल इज कोल ब्रोकन इंटू फाइन पार्टिकल्स। हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल इज अप्रोक्सीमेटली इन पावर प्लांट कितना होगा, तो 5000 से लेके 6500। ठीक है, वॉटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ सीओ एन टू एन एच टू। कोल यूज इन पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज स्टीम कोल, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टीम कोल यूज इन पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज, तो दैट इज कोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, तो वो है ब्यूटुमिनस कोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया, ब्यूटुमिनस कोल इज कंसिडर्ड एज डैश क्वालिटी ऑफ द कोल, आंसर इज सुपीरियर। ठीक है, इन अ पावर प्लांट कोल इज कैरिड फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू बॉयलर्स जनरली बाय मीन्स ऑफ दैट इज वी बेल्ट्स। क्लियर, लीव स्टोरेज ऑफ कोल इन अ पावर प्लांट मीन्स स्टोरेज ऑफ कोल सफिशियंट टू मीट 24 आवर डिमांड ऑफ द प्लांट। इसमें क्या याद रखना है कि लीव स्टोरेज ऑफ कोल का मतलब क्या है, कि 24 घंटा वो डिमांड देना चाहिए सफिशियंट। ठीक है, प्रेशर ऑफ स्टीम इन कंडेंसर इज मच लेस देन एटमोस्फियरिक प्रेशर। इक्विपमेंट यूज फॉर पल्वराइजेशन द कोल इज नोन एज बॉल मिल। अभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बॉल मिल इज अ इक्विपमेंट यूज फॉर डैश द कोल, तो आंसर इज पल्वराइजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन अ लो टू मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम विच ऑफ द डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल, तो कौन सा डिवाइस जो है वो सुटेबल है लो टू मीडियम टेम्परेचर के लिए, दैट इज हीट व्हील्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ द हीट फ्रॉम ड्रायर एग्जॉस्ट एयर इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ, द आंसर इज हीट व्हील। कैपिलरी विक इज अ पार्ट ऑफ हीट पाइप। इकोनोमाइजर इज प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज द फ्लू गैस हीट फॉर प्री हीटिंग द बॉयलर फीड वॉटर। रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट फ्रॉम हॉट फ्लूड टू फ्लूड इज कॉल्ड हीट पंप। थर्मो कॉम्प्रेसर इज कॉमनली यूज फॉर फ्लैश स्टीम रिकवरी। द एक्सचेंजर टिपिकली यूज इन द प्रेशराइजिंग सेक्शन ऑफ अ डेयरी प्लांट इज हीट एक्सचेंजर। पिक अप ऑड मैन आउट, मतलब इसमें से कौन सा सिमिलर नहीं है उसको आंसर बताओ, तो दैट इज इकोनोमाइजर। एनर्जी रिकवरी इज टिपिकली बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टीम।
वॉट इज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिकवर्ड इफ द स्टीम इज कंडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू सिस्टम. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज इज वेस्ट एज अ फ्यूल. द आंसर इज सीमेंट क्लींस. वॉट इज द कंबशन टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लींस. आंसर इज 1350 से लेके 1650. अ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज बीन की टू रिड्यूस डैश कंजप्शन. तो रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन. ठीक है, हीट लॉस कैन बी क्लासिफाइड इन टू हीट टेम्परेचर येस, लो टेम्परेचर येस, मीडियम टेम्परेचर येस. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी. हीट रिकवरी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन. टेक्निक्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी क्या क्या है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कंडेंसेशन येस, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कंडेंसेशन येस, ट्रांसपोर्ट मैम्ब्रेन कंडेंसेशन येस. आंसर इज ऑल ऑफ द वर्ड, इट इज ए बी एंड सी. वन ऑफ द की एरिया फॉर पोटेंशियल एनर्जी सेविंग इन एग्जिस्टिंग सिस्टम इन वेस्ट हीट रिकवरी. ठीक है, द बिगेस्ट पॉइंट सोर्स ऑफ वेस्ट हीट ओरिजिनेट फ्रॉम स्टील और ग्लास प्रोडक्शन. द सिस्टम इज सुटेबल टू रिकवर हीट फ्रॉम मीडियम से लेके हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस. ठीक है, द वेस्ट हीट रिकवरी या फिर द वेस्ट हीट एनर्जी कुड बी यूज टू प्रोड्यूस कूल एयर. अ वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट इज एन एनर्जी रिकवरी हीट एक्सचेंजर दैट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम द प्रोसेस आउटपुट्स एट हाई टेम्परेचर. क्या यहां पे अ वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट मतलब WHRU. तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि WHRU का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वेट हीट रिकवरी यूनिट. इज एन एनर्जी रिकवरी हीट एक्सचेंजर दैट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम प्रोसेस आउटपुट्स एट हाई टेम्परेचर टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर सम पर्पस यूजुअली इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. द वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट इज अ टूल इन्वॉल्व्ड इन कोजनरेशन यूजिंग एन ऑर्गेनिक फ्लूइड that boils at a low temperature means that energy could be regenerated from waste fluid is known as heat pumps. Traditionally waste heat of low temperature range dash that is 0 se leke 120 degree Celsius has been seen used for electricity generation despite efforts by ORC companies mainly because the Carnot efficiency is rather low. What is the benefit or advantage of waste heat recovery unit WHRU? देखो जिसने थ्योरी लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये भी बताया था कि इसके एडवांटेज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जिन्होंने थ्योरी लेक्चर देखे तो उनके मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए. ठीक है, तो आपने जो भी थ्योरी किया वो आपको जरूर बेनिफिट देगा. रिड्यूस पोल्यूशन येस, रिड्यूस इक्विपमेंट साइज येस, रिड्यूस ऑक्सिलरी एनर्जी कंजप्शन येस. आंसर इज ऑल ऑफ द वर्ड, इट इज ए बी एंड सी. A high temperature waste heat recovery unit consists of recovering waste heat at temperatures greater than 400 degrees Celsius. Types of waste heat exchanger are regenerative and recuperation burners, economizers, waste heat boilers. Calculate the recoverable waste heat from flue gases using the following parameters. So, V इसके अंदर दिया गया है, 2000 है. ठीक है, फिर उसके साथ क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस दिया है 0.9, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस दिया है 0.20, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 120 और रिकवरी फैक्टर दिया 50%. तो आंसर इज 21600. इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस फ्लूइड विद टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आर सेट एट द लिमिट फॉर वेस्ट हीट रिकवरी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कंडेंसेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड्स. ठीक है, क्लियर. तो हमारा अब सेकेंड चैप्टर का मल्टीपल चॉइस पूरा कवर हो गया. आप सोच रहे होंगे कि आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है. क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि हम सारा कंप्लीट कर रहे हैं ना एक के अंदर, तो एक ही वीडियो में सब कुछ. ठीक है, और लेक्चर में आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस AEN पे, ETM का थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हो जाएगा IHP. तो AEN, ETM का थ्योरी एंड IHP पूरा कंप्लीट हो गया है और आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ETM का भी कवर हो जाएगा. और साथ साथ में अगर आपकी डिमांड होगी
तो मैनेजमेंट के लिए काफी बच्चे के मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर मैनेजमेंट का जहां भी देखो तो नोट्स मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतना मटेरियल हो गया है कि कंफ्यूज हो गए क्या पढ़े। तो क्यों ना आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खाली जो इम्पोर्टेंट है वो बता दो, तो उतना तो हम करके जाए। तो आपका अगर डिमांड होगा तो मैं आपको मैनेजमेंट भी करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और ये सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आपने देखा नहीं है तो जरूर देखिए। नाउ चैप्टर 3 रिसेंट ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी 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 हार्डवर्क हो रहा है लेक्चर बनाने में, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इतना बड़ा वीडियो, और बहुत मतलब बहुत मेहनत जा रहा है पूरी टीम का। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम को मोटिवेट करता है। तो वी एज अ स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब फैमिली टीम, आज हम थर्ड चैप्टर तक पहुंच रहे हैं, आगे आगे पूरा पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट मोशन ऑफ वाई इन्वॉल्व्स राइट टू लेफ्ट रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रिस्ट मोशन है वो हमेशा क्या फॉलो करता है, राइट हैंड रूल। रॉबर्ट्स आर स्पेसिफाइड बाय पेलोड, यस। डायमेंशन ऑफ वर्क एनवेलप, यस। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। हाइड्रोलिक ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर अ रोबोट व्हेन, हाई टॉर्क इज रिक्वायर्ड, यस। हाई पावर इज रिक्वायर्ड, यस। रैपिड मोशन ऑफ रोबोट आर्म, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्यू, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हाइड्रोलिक ड्राइव है, इसके लिए दिमाग में रखो। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉबर्ट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, तो वो है रेक्टेंगुलर रॉबर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रेक्टेंगुलर रॉबर्ट इज मोस्ट सुटेबली यूज फॉर, द आंसर इज पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या समझना जरूरी है कि फिक्स सीक्वेंस रॉबर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज पिक एंड प्लेस रॉबर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, पिक एंड प्लेस रॉबर्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश, द आंसर इज फिक्स सीक्वेंस रॉबर्ट। तो इसके लिए मैंने ये हाईलाइट किया, मुझे पता है ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, बट एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि आधा मार्क भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, क्लियर। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन्स एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर डोमेन इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट सिस्टम प्रोसेसर। द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड्स बोथ फैक्ट्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, क्लियर। अ रोबोट आर्म इज ऑल्सो नोन एज इट्स मैनिपुलेटर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो मैनिपुलेटर है वो रोबोट का क्या है, डैश, तो आंसर इज रोबोट का आर्म, क्लियर। क्योंकि क्या लिखा है, मैनिपुलेटर इज अ मैकेनिकल यूनिट दैट प्रोवाइड्स मोशन, ठीक है। तो ये मैनिपुलेटर है वो मोशन देता है, तो हाथ को जब भी कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो हाथ हिलता है ना, तो वो क्या है, मोशन, ठीक है। सिमिलर टू डोज ऑफ ह्यूमन हैंड एंड आर्म, क्लियर। विच टाइप ऑफ एक्चुएटर जनरेट्स अ गुड डील ऑफ पावर बट टेंड्स टू बी मैसी, दैट इज हाइड्रोलिक। इफ अ रॉबर्ट कैन अल्टर इट्स ओन ट्रेजेक्ट्री इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशन, इट इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंटेलिजेंट रॉबर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी रॉबर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंटेलिजेंट रॉबर्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो आंसर इज सेंसरी रॉबर्ट, क्लियर। प्रोग्रामिंग अ रॉबर्ट बाय फिजिकल मूविंग इट थ्रू द ट्रेजेक्ट्री यू वॉन्ट इट टू फॉलो इज कॉल्ड कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। रीजनिंग फ्रॉम अ गोल स्टेट टूवर्ड्स एन इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। विच डिवाइस इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ ऑटोमेशन, तो दैट इज रोबोट्स। जहां जहां पे रोबोट आया ऑटोमेशन आना चाहिए, जहां जहां पे ऑटोमेशन आया वहां पे रोबोट आना चाहिए। अ टेपर टेप हैज इट्स एंड टेपर्ड फॉर अबाउट 8 or 10 थ्रेड्स, ठीक है। द टॉप एंड द साइड ऑफ द टेबल ऑफ अ शेपर यूजली हैव टी टाइप स्लॉट्स। द टेपर यूज टू कट थ्रेड्स इन अ ब्लाइंड होल इज बॉटमिंग टेप। द ऑपरेशन ऑफ स्मूथनिंग एंड स्क्वेरिंग द सर्फेस अराउंड अ होल इज नोन एज स्पॉट फेसिंग।
इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट डिट्रॉइट्स सरफेस फिनिश। अ कॉन्फिगरेशन फॉर अ रॉबर्ट इज स्पेरिकल। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अ स्पेरिकल इज अ डैश फॉर अ रॉबर्ट, तो वो एक कॉन्फिगुरेशन है, तो आंसर ऐसे भी आ सकता है। चूज द रॉबर्ट कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से रॉबर्ट का कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज आर्म, तो आर्म को हम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। चूज द रॉबर्ट कंपोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द आंसर इज आर्म। चूज द बेसिक एलिमेंट फॉर एनी ऑटोमेटेड मशीन टूल, दैट इज लॉजिक। ठीक है, तो आज हमारा जो भी थर्ड चैप्टर है ईटीएम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ, एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि काफी हार्डवर्क हो रहा है लेक्चर बनाने में। जी हाँ, बहुत मतलब बहुत हार्डवर्क हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक लेक्चर में सब कुछ तैयार करना और इतने सारे सब्जेक्ट करना काफी हार्डवर्क हो रहा है। कई जगह पे तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है, बट हम हार्डवर्क कर रहे हैं एक ही चीज के लिए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो डिमांड है वो हम कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करिए, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है। एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का भला हो और सब स्टूडेंट एक साथ अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और आपका रिप्लाई है, सर हम अच्छे मार्क्स से पास हो गए, क्योंकि हम एक स्कोर ऑटो मोबाइल यूट्यूब फैमिली है, तो हर एक फैमिली का ध्यान रखना अब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग पे क्वेश्चंस क्या क्या है। एनर्जी ऑडिट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑडिट रिफर्स टू इंस्पेक्शन। ठीक है, एनर्जी ऑडिट इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ मच एनर्जी अ फैसिलिटी कंज्यूम्स। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट 2001, एनर्जी ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। द स्ट्रेटेजी ऑफ एडजस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूजिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर सो एज टू रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाइल होल्डिंग कॉन्स्टेंट और रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इज एनर्जी मैनेजमेंट। द फंडामेंटल गोल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू बी प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज विथ लीस्ट कॉस्ट एंड लीस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज गिवन बाय केप हर्ट टर्नर एंड केनेडी, तो इज द जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड एनहांस कंपेटिटिव पोजिशन। क्लियर, तो जब भी मैंने थ्योरी बोला तभी मैंने बताया था कि इसको भी आप प्रिपेयर करो। जब मैंने थ्योरी पढ़ा तभी भी मैंने बताया कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज गिवन बाय ऑप्शन ए केप हर्ट, ऑप्शन बी टर्नर, ऑप्शन थ्री केनेडी, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग डैश एंड डैश, तो आंसर इज प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ बीईई, तो फुल फॉर्म ऑफ बीईई क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो दैट इज 2001। अ स्टार रेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। डैश हैज बीन फॉर्मुलेटेड by Bureau of Energy Efficient, the answer is star labeling program. BEE is under of Ministry of Power. HVAC stands for heating, ventilating and air conditioning. ठीक है, energy audit is an dash of energy flows, that is inspection, survey, analysis. So answer is all of the above, A, B and C. In any industry, three top operating expenses are found to be energy, labor cost,
मटेरियल. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड डी. ठीक है. सी यू एस यू एम स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव सम. एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग इज प्राइमरीली अ मैनेजमेंट टेक्निक. ठीक है. तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डैश मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग इज प्राइमरीली अ मैनेजमेंट टेक्निक. आंसर इज एनर्जी मॉनिटरिंग. अब इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्यूमुलेटिव सम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो दैट इज सी यू एस यू एम. क्लियर. एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग इज प्राइमरीली अ मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज एनर्जी सिस्टम ऑन बेसिक टू एलिमिनेट वेस्ट, रिड्यूस पोल्यूशन. आंसर इज बोथ ए एंड बी. ठीक है. अ मैनेजमेंट गोल टू वर्क टूवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन. मॉनिटरिंग इज एसेंशियली एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन. इलेक्ट्रिक बिल एंड अदर फ्यूल बिल शुड बी कलेक्टेड मंथली. क्लियर. अपने घर पे मंथली ही आता है ना, डेली तो आता नहीं है. अ क्रिटिकल फीचर ऑफ एमएनटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स एनर्जी कंजप्शन. अ क्रिटिकल फीचर ऑफ एमएनटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स एनर्जी कंजप्शन. अबाउट 10% मेनी परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट हायर लेवल. द फंडामेंटल गोल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज. अब क्या है, द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम, दैट इज SNL. तो सबसे पहले SNL का फुल फॉर्म याद रखना है. इज वन ऑफ द मेजर थ्रस्ट एरियाज ऑफ BEE. क्लियर. साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट 2001 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BEE, उसके साथ साथ टू स्पेसिफाई या फिर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन. द आंसर इज बोथ ए एंड सी. क्लियर. आज हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ETM का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो पूरा कवर हो गया. तो आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस AEN फिर ETM थ्योरी पे भी पूरा हो गया, उसके साथ साथ IHP पे भी पूरा कंप्लीट हो गया. आपने अभी तक देखा नहीं तो जरूर देखे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा और आज ETM का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. और अगर आपकी डिमांड होगी मैनेजमेंट के लिए तो हम मैनेजमेंट भी आपको पढ़ाएंगे, जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एग्जाम के लिए, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मैनेजमेंट चाहिए क्या. ठीक है. नाउ चैप्टर 5 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, लास्ट चैप्टर. ठीक है. तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है. क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफी हार्डवर्क होता है, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक साथ पूरा वीडियो लाना, और आपकी जो थ्योरी की डिमांड थी वो भी पूरी की गई, ISP की डिमांड भी पूरी की है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी पूरी गई. क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आप और हम एक YouTube स्कोर ऑटोमोबाइल फैमिली है, और उसके साथ साथ आपकी खुशी में हमारी खुशी है. तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का भला हो. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्रीकल्चर मशीनरी टू मशीनाइज द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर. इन मॉडर्न टाइम्स ट्रक्स हैज रिप्लेस्ड मेनी फार्म जॉब्स फॉर्मली कैरिड आउट बाय मैन. नीड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इन द फार्म. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. द प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स स्टार्टेड इन 1960. बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन, यस. लो कॉस्ट ऑफ वर्क, यस. इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यस. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी. नीड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इज टू फॉर टाइमली ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यस. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यस. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, water and other natural resources, yes. Answer is all of the above, it is A, B and C. Space technology has been incorporated into agriculture in the form of GPS device. So, isko question aise bhi aa sakta hai ki dash technology has been incorporated into agriculture in the form of GPS device. So, answer is space technology. So, isko bhi yaad rakhiye. The word tractor was taken from Latin.
टिलेज इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने थ्योरी देखा है या फिर जिन्होंने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्राइमरी टिलेज क्या है और सेकेंडरी टिलेज क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने जन का कैसा प्रिपरेशन है और जिन्होंने प्रिपरेशन किया है उनको भी पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे, ठीक है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि प्राइमरी टिलेज क्या है और सेकेंडरी टिलेज क्या है, क्लियर। द गैंग एंगल और डिस्क हैरो इज एडजस्ट इन द रेंज ऑफ 0 to 30। इन डिस्क हैरो द पेनिट्रेशन ऑफ द डिस्क इंप्रूव्स बाय इंक्रीजिंग द डिस्क एंगल, यस, लोअरिंग हिच पॉइंट, यस, रेगुलेटिंग ऑप्टिमम स्पीड, यस, ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, दैट इज ए बी एंड सी। द पावर टिलेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोटरी ऑपरेशन। अ वर्टिकल डिस्क प्लोज इज ऑल्सो टर्म्ड एज वीट प्लोज या फिर हैरो प्लोज, आंसर इज बोथ ए एंड बी। An implement that pulled and guided by single hitch point of a tractor is trailed implement. डायग्राम में मैंने बताया था कि ट्रैक्टर है और पीछे ट्रेलर है, अगर आपको हंसना आता है तो आप हंसो, हंसना चाहिए, बट हमको कॉन्सेप्ट समझने के ट्रेलर क्या है, तो अब पता चला कि वो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था, आज एक मार्क्स अपने को दिलवाया वो डायग्राम ने, ठीक है। द प्लोज बॉटम एज कंबाइंड यूनिट कंसिस्ट ऑफ शेयर लैंड साइड फॉग एंड MB. The extent of area under the command of draft animal is about 55%. ठीक है? Use of improved implementation has potential to increase productivity up to 30%. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, the use of dash implement has potential to increase productivity up to 30%. तो आंसर इज improved implementation. ठीक है? Use of improved implementation has potential to reduce the cost of cultivation up to 20%. Clear? अब यहाँ पे सोचने जैसी चीज है, यहाँ पे भी improved implementation, यहाँ पे भी improved implementation, यहाँ पे भी potential, यहाँ पे भी potential. But यहाँ पे increase productivity पूछा है तो 30% है, यहाँ पे reduce the cost of cultivation पूछा है तो 20%. मतलब जहां पे increase आ गया तो 30 याद रखो, जहां पे रिड्यूस आ गया तो 20 याद रखो, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का नहीं। ट्रैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट मशीन यूज्ड फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, क्लियर। यूज ऑफ इंप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशंस हैज पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अप टू 30% एंड रिड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ कॉस्ट अप टू 20%. अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे, थर्ड है, क्लियर। एक 30% वाला था, एक 20% वाला था और एक ये वाला, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए लेक्चर को पूरा देखिए। डैश आर यूज टू होल्ड वाटर इन द सॉइल, दैट इज बंड्स, ठीक है। इस पे मैंने रेलवे का एग्जांपल आपको दिया था थ्योरी में कि रेलवे पे आप देखेंगे तो काफी सारे क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, तो वहां पे जो डिजाइन जो बनाते, जो डिजाइन जो पानी को होल्ड करता, दैट इज नोन एज बंड्स, क्लियर। नेम द मेथड which is not a sowing method, so that is hitching, ये sowing method नहीं है। ये भी मैंने बताया था कि ऐसे question आ सकते हैं और question, most of the question ऐसे आ रहे हैं, तो जिन्होंने theory देखा रहेगा तो उनके दिल में हो जाएगा harsh कि अभी थोड़ा कुछ तो multiple choice question अपने को आधा तो हो जाएगा, clear। Dash is useful for uprooting and burying weeds between standing rows of rice crops in wetlands, so that is sweep. The power developed in prime mover of power operated spray is 1 to 5 HP. RTC means ready to cook in consumer preference in food processing sector. Clear? In the exam question aise bhi aa sakta hai, ready to cook also means, that is RTC. Clear? Ab fir se main aapko ek reminder dena chahta hu ki AEN, ETM ka theory, IPH, ये पूरा सारा सिलेबस एज पर MSBT 2020 के गाइडलाइंस के से पूरा कंप्लीट हो गया। आपने अभी तक देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप जरूर देखिए, और साथ साथ में आज ETM का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्लियर। और उसके साथ साथ अगर आपकी डिमांड रही तो मैनेजमेंट भी पूरा आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए काफी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल में
कि सर मैनेजमेंट पे काफी मटेरियल अवेलेबल है, बट इतना कंफ्यूजन हो रहा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो क्यों ना आप एक लेक्चर बना दो। तो इसके लिए आपका अगर रिस्पॉन्स रहेगा आप मुझे कमेंट में बताइए आपको चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज अपना पूरा ईटीएम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काफी हार्डवर्क हो रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चाहे आपके फ्रेंड नजदीक रहते हो या दूर रहते हो, और कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा। वी एज अ स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब फैमिली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।